लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा गौतम, तुम्हें अंकल बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मेरी गोद में आए ना। पापा मुझे उठाएंगे तो उनका हाथ दर्द करेगा ना, इसलिए। अरे अरे, ये तो बहुत शैतान है। पापा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मम्मी, मम्मी, गौतम मैं यहाँ हूँ। मम्मी कहाँ है? ए गौतम, मैं उसे बुला रही हूँ। तुम क्यों आवाज दे रहे हो? पापा, पापा मुझे वो वॉच चाहिए। हाँ दिलाऊंगा। शट अप गौतम, नथिंग डूइंग। पहले एग्जाम में पास होके दिखाओ, फिर ये वॉच दिलाएंगे। कुछ समझा? हाँ समझा। क्या समझा? यही कि तुम मुझे वॉच लेने नहीं दोगी। वॉच? ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। चलो अब चलते हैं, बहुत मस्ती हो गई। मम्मी मुझे भी पानी। ओके वेट अ मिनट, लिजी इसका ध्यान रखना, मैं पानी लेके आता हूँ। दीदी दीदी, हाँ दीदी, ये फूल ले लो ना। कौन सा है? तुली का फूल है, कभी नहीं सूखता दीदी। कितना? 100 रुपए का। नो दीदी, दीदी ले लो ना दीदी, सुबह से एक भी नहीं बिका। 50 रुपीज। दीदी इसे देखो तो सही, 6 महीने तक नहीं सूखेगा, कुछ तो बढ़ा। जस्ट 50 रुपीज देना है तो दो। दीदी दीदी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मुझे सिर्फ 10 रुपए बचेंगे। अरे ओके, मैं एक बात कहूँ, मानोगी? मानूंगी ना दीदी। 75 रुपीज ओनली, फाइनल। नहीं दीदी, इससे ऊपर मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, प्लीज समझ मेरी बात। प्लीज दीदी, प्लीज दीदी, ओनली 75। 100 रुपए दे दो ना दीदी। ये लो बेटा। अरे राम, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं सर, तो बहुत अच्छा, पहले इसे पकड़ो। ओके सर। तुम भी ना। गौतम कहाँ है? अरे गौतम तो यहाँ पे, कहाँ गया गौतम?
गौतम यहीं पढ़ता था। गौतम हे गौतम 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 कहाँ चला गया गौतम 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 भाई साहब आपने वरुण शर्ट में एक बच्चे को देखा नहीं देखा गौतम 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 एक्सक्यूज मी सर आपने किसी छोटे बच्चे को देखा नहीं भाई ओह माय गॉड गौतम गौतम लिजी राम मिला क्या लिजी सुनो तुम उस तरफ देखो मैं इस तरफ देखता हूँ लिजी वो यहीं कहीं होगा गौतम 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 सुनिए हाँ? मेरे छोटे से बेटे को देखा नहीं देखा वरुण शर्ट पहना मैंने भी आपने किसी छोटे बच्चे को देखा गौतम किसी ने मेरे बेटे को देखा आपने किसी छोटे बच्चे को देखा नहीं वरुण शर्ट पहना उसने गौतम मैं संभाल के अरे यार सुनो सुनो भाई आपने किसी छोटे बच्चे को देखा नहीं वो यही खेल रहा था कितनी बार बोला मेरे एरिया में नहीं आने का उधर जाना अभी इधर नहीं आने का कितनी बार बोला गौतम आपने किसी छोटे बच्चे को देखा मरून शर्ट पहना है उसने भाई साहब तुमने मरून शर्ट में किसी बच्चे को देखा बताइए ना गौतम गौतम सर आपने किसी 6 साल के बच्चे को देखा नहीं सर नहीं देखा अरे क्या आपने यहाँ मरून शर्ट में किसी बच्चे को देखा नहीं नहीं हमने नहीं देखा नो आइडिया गौतम लिजी क्या किया तुमने नहीं मिला बस थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान नहीं रख पाई मेरे पास हा? ही खड़ा था मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आई है यू आर सो केयरलेस लिजी कुछ नहीं किया रहा मेरे पास यू आर सो केयरलेस लिजी लिजी अपने आप को संभालो लिजी मेरी हालत देखो क्या हो गया कम ऑन लिजी लिजी कम ऑन लिजी क्या हुआ एक्चुअली बीच में हमारा बच्चा खो गया वो कब शाम को 2:30 बजे इतनी देर हो गई और आप लोग यहीं भटक रहे हैं पुलिस में कंप्लेंट की क्या नहीं सर चलिए सर बगल में ही पुलिस स्टेशन है कंप्लेंट कर देते हैं चलिए सर चिंता मत कीजिए आइए मैडम संभाल के आइए ऐसे नहीं सुधरेगा आपको क्या चाहिए सर बीच पर हमारा बच्चा खो गया क्या टाइम सर शायद 1:30 बजे उम्र कितनी है उसकी 6 साल कौन से क्लास में पढ़ता है फर्स्ट स्टैंडर्ड सर ओके ये लीजिए भर दीजिए एड्रेस फोन नंबर शरीर पे कोई निशान जैसे मस्सा उसका कलर आंखों का कलर ये सारी डिटेल्स लिख कर दीजिए और कंप्लेंट भी लिख कर दीजिएगा ओके सर सर पेन इनको पेन दीजिए पेन नहीं है पेन नहीं है क्या ये लीजिए उसकी कोई फोटो है सर मोबाइल में फोटो बाद में दे दीजिएगा बच्चा तो बहुत प्यारा है सर आज इसका जन्मदिन है सर आज जन्मदिन है हाँ। चलो अच्छा है लड़का छोटा नहीं है एड्रेस फोन नंबर पूछने पे बताएगा ना हाँ बताएगा सर सब भर दिया ना हाँ। यस सर हाँ सर कोई मैटर आया उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है 1:30 बजे होगी सर देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए ठीक है सर भाई लोग बहुत नाटक हो गया कोई भी बचना नहीं चाहिए अगर ये लोग छूट गए तो अच्छा नहीं होगा ठीक है सर ओके सर और सब तो ठीक है ना सर रखता हूं हम्म
ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, जैसे कुछ पता चलेगा आपको बुला लेंगे। इट्स ओके सर, हम यहीं वेट करेंगे। सर आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं, रूल्स फॉलो करना पड़ता है। सर आप इनको समझाइए ना, एड्रेस फोन नंबर मिल गया, जैसे पता चलेगा बता देंगे। चलिए सर। जाइए सर। ये लोग बता देंगे, चलिए सर। जैसे पता चलेगा हम तुरंत बता देंगे, अब जाइए सर। सर सामने वाली पार्टी का फोन आया, एक मिनट, चलिए चलिए। ठीक है सर, जाइए ना सर, हमें परेशान मत करिए, जाइए। आइए आइए। जाइए ना सर, हम बुला लेंगे। सर बोलिए। चलिए सर, इट्स ओके सर, हम यहीं वेट कर पुलिस स्टेशन में, रात को नहीं रुकना चाहिए। चलिए चलते हैं सर। अगर ये ऐसे ही रोती रहेंगी तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इन्हें कोई स्लीपिंग टैबलेट देकर सुला दीजिए। पर आप मत सोइए, वहाँ से फोन आ सकता है। ठीक है सर। मेरा घर बगल में ही है, मैं ऑटो से चला जाता हूँ। सर बोलिए ना, आप यहाँ रुक सकते हैं क्या? मैं रुक जाऊँ? हाँ सर प्लीज। मेरे घर वालों को चिंता होगी, उन्हें एक फोन कर देता हूँ। प्लीज गौतम, यही आपका लड़का है ना सर? थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। मेन इवेंट से पहले मैं आप सबको एक खास वीडियो दिखाना चाहता हूं। ओके गाइस। हे गौतम, गौतम स्कूल है। हाँ डोंट क्राई माय बॉय गौतम। ओके ओके हे राम, अरे उसे नीचे उतारो, गिर जाएगा वो। राम राम नीचे उतारो उसे। समझ गए। अरे हे हे लिजी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल यार। अरे बस एक पिक एक पिक। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल यार। अरे हे गौतम, हे गौतम, व्हाट आर यू डूइंग? पापा साइज बढ़ गया पापा। ये तेरे फ्रेंड मम्मी गो इनसाइड यू पापा। आई लव यू पापा। राम, राम, शिव, सॉरी यार फोन स्विच ऑफ हो गया था। यार अपना गौतम गुम हो गया। भैया टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे। नहीं मिला,
हम रात भर उसे ढूंढते रहे। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो धीरज रखो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा। गौतम जरूर मिल जाएगा। लिजी लिजी गौतम मिल जाएगा। कहाँ जा सकता है वो? अपनी दीदी की बेटी भी गुम हो गई थी ना, मिल गई थी ना वो। इट्स अ वेरी कॉमन इंसिडेंट यार। गौतम हमें जरूर मिल जाएगा, हम उसे कैसे भी ढूंढ लेंगे। डोंट वरी प्लीज, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम दोनों हिम्मत से काम लो। सुनिए सर, कल से इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है, हमें पुलिस स्टेशन भी जाना है। इन्हें खाना खाकर तैयार होने के लिए कह दीजिए। चलो तुम दोनों खाना खा लो, फिर निकलेंगे। चलो जाओ लीजिए, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद गौतम को ढूंढने निकलना है। जाओ राम भाई, तुम भी जाओ, जाओ खाना खा लो, जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ। सर ये पानी का बोतल। हाँ ठीक है। सर वो गणेश का नंबर क्या है? सर 2481 2481 0111 0111। नंबर पे बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ सर। ओके थैंक यू सर। सर ये मिसिंग चाइल्ड के पेरेंट्स हैं सर। नमस्ते सर। अभी तक बच्चे का पता नहीं चला है, पता चलते ही बता देंगे। सर 24 आवर्स हो गए हैं, जरा देख के बताइए। क्या बताऊँ मैं, अभी बोला था ना कि पता नहीं चला है। सर ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना सर। अबे काकी जिम्मेदारी पे, सुबह 3:30 बजे का उठा हूँ, ग्राउंड पे गया, अभी जाके नाश्ता कर रहा हूँ। देख आ गया जिम्मेदारी सिखाने। ए बाला ये मोटी को चुप करवा। अरे बड़ा तुम चुप रहोगी। एक्सक्यूज मी सर, अगर कुछ करना है तो बताइए सर, मैं कर लूंगा। क्या करना है? आप जो कहे कुछ भी सर, व्हाटएवर एनीथिंग सर, एनीथिंग। मुझे रिश्वत देगा क्या? अपने बेटे को मारकर समंदर में फेंक दिया सर। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? तो अब तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, हमारे स्टेशन के 40 पुलिस वाले पूरी रात से बच्चे की खोज में लगे हुए हैं। अगर खबर मिली तब देखना, 10 सेकंड के अंदर खबर तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। चलो चलो आप जाओ। सर सर हम लोग कमिश्नर साहब से बात कर सकते हैं? वो तुम्हारी मर्जी, इट्स ओनली पॉसिबल वे। कांस्टेबल। हाँ सर। इधर आओ, आप लोग जाओ यार। सर कुछ कीजिए ना, वो लोग बहुत तकलीफ में हैं, आप कुछ कर देंगे सर? हाँ वन सेकंड वन सेकंड। सुनो टीवी में, पेपर में, सब में फोटो आना चाहिए। ओके जरा सब्र करो भाई। देखो सर पिक्चर टीवी पे दिख रही है। ओके बाय लेजी, चलो। नमस्ते सर। सर मेरे बेटे के बारे में कुछ खबर मिली? अभी तक कोई खबर नहीं मिली सर, हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज सर। ए बाला किधर है? सर वहाँ पीछे। बाला इधर आ। सर सर ओके सर, बताइए ना सर क्या बात है? बता दिया, वो बता देगा। ठीक है सर, आइए मेरे साथ चलिए। आइए, अभी एक दिन पूरा हो गया, चेन्नई में तो हमने पूरी जगह देख ली, यहाँ होता तो अब तक मिल चुका होता। पर सर हमें पूरा डाउट है उसे कोई उठा ले गया। उठा के ले गया? कौन उठा? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सर बताइए, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। आइए, अब उसका किडनैप हुआ है या नहीं हुआ है अभी नहीं बता सकते, पेपर में एड दे दिया है, टीवी पर भी न्यूज दे दी है, अब जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन इस मामले में एक आदमी को मिलना बहुत जरूरी है। सर लेकिन कौन है वो? अरे अपनी जान पहचान वाला है भाई, एक बार उससे बात करके देख लेते हैं, अगर उसने पैसा मांगा तो पैसा दे देना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई। ठीक है सर, मैं कार लेके आता हूँ। अरे रुको रुको, कार की जरूरत नहीं है, टैक्सी में चलेंगे। रंगा, ए रंगा भैया, टैक्सी लेके आओ इधर। हाँ आता हूँ। सर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं बच्चा तो सेफ है ना सर? हाँ हाँ सब सेफ है। ए रंगा सीधा बीच की तरफ ले चल। ठीक है भैया। उससे ही मिलने आए। दो मिनट रुको, खाना खा रहा हूँ। खा ले।
इससे मिलना है? ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इस एरिया में सारे गलत काम यही करवाता है। इसे उठा के ले जाकर अगर चार थप्पड़ मारेंगे तो सब साफ साफ बता देगा। अरे इसे उठाओगे तो ये और ज्यादा खुश हो जाएगा, यहाँ से ज्यादा आराम मिलेगा। अगर सीबीआई पूछे कि बच्चा कहाँ है फिर भी ये मुंह नहीं खोलेगा। आप चुप रहिए, मैं बात करता हूँ। मनोहर तुझसे एक जरूरी बात करनी है। क्या साहब, मुझे भीख देने आया हो क्या या किसी की याद आ गई? ए मजाक मत कर। मैं क्या मजाक करूं भैया, भिखारी हूँ, भीख ही मांगूंगा और क्या। जरा फोटो दिखाओ, इनका बेटा खो गया है, ये देखो। इसे जानते हो क्या? नहीं जानता सर, कहीं देखेगा तो पक्का बता दूंगा। सर ये सब जानता है, मैंने इसकी आंखों में देखा, ये झूठ बोल रहा है, ये सब जानता है सर। झूठ मत बोल। क्या पुलिस लाकर धमका रहा है क्या? सर शांति से काम कीजिए, बात बिगड़ जाएगी। जा जाके कंप्लेंट कर दे। इनका बेटा गुम हुआ है, कितना तड़प रहे हैं भाई, बेटे के गम में थोड़ा सा गुस्सा हो गया, थोड़ा समझो ना। तो मैं क्या करूं सर, मेरा यकीन कीजिए, इन लोगों को देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। सर मैं अपने धंधे की कसम खा के कहता हूं, मुझे कुछ पता नहीं। सर इन दोनों का इस बच्चे के अलावा कोई नहीं है, प्लीज मदद कर दीजिए। तुम क्या कह रही हो? सर मुझे कुछ भी नहीं पता। ओ अपना नंबर यहाँ छोड़ जा, मुझे कुछ पता चलते ही बता दूंगा। मैं पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरा बेटा कहाँ है बता दीजिए। हमारे बेटे के बिना हम दोनों की कोई जिंदगी नहीं। मैंने तुम पर गुस्सा किया, माफ कर दो भाई। अरे ये क्या है सर, बच्चे की तरह वही बात पकड़ के बैठे हो। अरे हाँ ना सर, मैं भी सब यही काम करता हूँ, लेकिन इस मैटर में मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर भरोसा रखिए, पता चलते ही बता दूंगा, आप निकलो। भैया, भैया प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए भैया, भगवान के लिए बता दीजिए भैया प्लीज, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती भैया, प्लीज भैया, वो हमारी जान है भैया, प्लीज भगवान के वास्ते भैया, हम उसके बगैर नहीं जी सकते हैं भैया, प्लीज भैया, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ भैया, भैया प्लीज बता दीजिए प्लीज। रानी डायरी लेके आ। हाँ लाती हूँ। सुनो इसने मेरा पैर पकड़ लिया ना, इसलिए नहीं तो ना ऐसी पार्टी से अपना कोई लेना देना नहीं। नमस्ते, मैं नायकन बोल रहा हूँ, वो गोरा वाला लड़का था ना, पार्टी अपने पास आई है। कुछ करो यार, अपन सिर्फ उंगली दिखाता है, उठाता कोई और है, और सब काम करने के लिए ये फोन है ना। हाँ बोलो भाई, क्या बोलते हो? कब? सच में क्यों यार? भाई क्या हुआ? हाँ चल ठीक है, बताओ ना क्या हुआ। सर आप पूछिए ना प्लीज। अरे वो बता देगा, बता देगा। ए भाई बता ना क्या हुआ। क्या हुआ? कुछ तो बताओ भाई, बताइए ना प्लीज। बच्चे को नगरी उठा ले गए। नगरी? कौन सी जगह? सर सर ये क्या कह रहे हैं? क्या आंध्र प्रदेश में? हाँ वही वही। ओह गॉड, अब फोन से काम नहीं हो सकता, अब आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचो। आपके पहुँचने से पहले मैं आपको फोन पर खबर कर दूंगा। क्या समझ में नहीं आ रहा? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? उसको कुछ नहीं हुआ, उसको कोई कुछ नहीं करेगा, अभी पैसा थोड़ी मिला है। क्या कह रहे हो भाई? अब जाओ, पैसा मांगे तो दे देना, और हाँ इस मैटर में पुलिस की मदद बिल्कुल मत लेना। देखो भाई तुम बिल्कुल मत जाना, अब देर मत करो, जल्दी जाओ। थैंक्स, आपको कुछ पैसे चाहिए? अभी रखो वहाँ के लिए, और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम जैसे बड़े लोग भिखारी को देखकर एक रुपया भीख देते हो ना, आज वैसा ही समझो, आज वही एक रुपया मैंने तुम्हें भीख में दिया है, अंदर डालो निकलो। सर सर आपका नंबर क्या है सर? 9 8 4 0 3 3 9 8 9 3 3। ठीक है चलो चलो। रंगा इधर आ भैया। सर को नगरी लेके जा, पूरा काम खत्म होने के बाद वापस आ जाना। मुश्किल है भैया। क्यों बे? कल बच्चों को लेके सास के घर पे जाना ना, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। ज्यादा बोल रहा है तू भैया। सर
ये बच्चों को अपनी नानी के घर ले जाना चाहता है। कम से कम इसके बच्चे तो खुश रहे। सर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम सब संभाल लेंगे। आपकी मर्जी। इसको दे दो। ये लो आपके पैसे। ठीक है भैया। नायकन यही नाम बताया था ना? नाम वो कृष्णा राव सर। भाई साहब ये कृष्ण राव कहाँ रहते हैं? कृष्ण राव? हाँ भाई। कौन से कृष्ण राव, आंध्र प्रदेश वाला या ओल्ड सिटी वाला? नहीं भाई, मैंने सुना वो एरिया में बहुत मशहूर है, उनको सब नाम से जानते हैं। ब्रोकर कृष्ण राव को ढूंढ रहे हो क्या? ब्रोकर कृष्ण राव? इतना सोच क्या रहे हो सब, आगे से जाकर लेफ्ट मार लो। लेफ्ट मारोगे तो वहाँ एक बड़ा सा गेट आएगा, उसी गेट में घुस जाना। वही है, वही है। हेलो सर। सर इस तरह आवाज देने से कोई फायदा नहीं होगा। हेलो, कोई है अंदर? कृष्ण राव जी से मिलना है। कृष्ण राव इधर कोई नहीं है, चल बाहर निकल। सर हम लोग चेन्नई से आए हैं, नायकन ने कृष्ण राव से मिलने के लिए कहा था। ए, बुरा ना कोई नहीं है, निकल बाहर। मूड खराब कर दिया। सर नायकन ने कहा था हम उनसे यहीं मिलेंगे। हेलो, आप चाहें तो नायकन से बात कर सकते हैं। हेलो, हे नायकन को फोन करना। भाई मैं नायकन को ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी वॉइस सुनकर वो मोबाइल कट कर रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ भाई उसने कट कर दिया। सर हम बहुत दूर से हैं, आप ही कृष्णा राव है ना? ये मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं कृष्णा राव नहीं हूँ और मैं नायकन को भी नहीं जानता। ये बाहर निकालो इन लोग को। ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? आप लोग ज्यादा समझता है, चल फुट यहाँ से। सर हमें नायकन ने बताया था इसलिए हम यहाँ आए। कृष्ण राव पर्चा नहीं खेलेगा मेरे साथ? मैं नहीं खेलूंगा, तू किसी और को बुला ले। सर आप ही तो कृष्ण राव है ना, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सर मेरा बच्चा खो गया है, उसका नाम गौतम है, सिर्फ 6 साल का बच्चा है। सर वो कहाँ है बता दीजिए, आपको जो चाहिए दूंगा सर, कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ।
ए, मैं हूँ कृष्णा राव, तू मेरा क्या उखाड़ेगा? तू पुलिस वाला है क्या? क्या सर, ये पुलिस वाले नहीं है, इनका बेटा गुम हो गया है। हम लोगों को पता चला है कि वो आप ही के पास है। इनका बेटा लौटा दीजिए, जो पैसा आप लेंगे ये लोग दे देंगे। हे भगवान, इसके बच्चे का और मेरा क्या लेना देना यार। मैं देख इधर चमड़ी का धंधा करता हूँ भाई। ये इधर आ, ये तू भी आना। लो कौन सी चाहिए, पैसा तो है ना। सर यहाँ कोई काम नहीं बनेगा, हम चलते हैं। सर चलिए, इनका नायकन से जरूर कोई संबंध है। मेरा गौतम जरूर यही कहीं है। चलो निकलो यहाँ से, चलो अरे चलो भाई, रुको गौतम। अरे हमको क्या बच्चा उठाने वाला समझा? गौतम गौतम, यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा तू। गौतम हमको जैसे देखा वो मुंह उठाए चला आता है यहाँ पे। गौतम नहीं मिला, गौतम इधर नहीं है सर, पर मेरा दिल कह रहा है कि उसे जरूर इन लोगों ने छुपाया है। मेरा बेटा कहाँ है कृष्ण राव, बताओ। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाने क्या उखाड़ेगा, बहुत बोल रहा है, जानता है मैं कौन हूँ? काट डालूंगा, बहुत देर से तेरा नाटक देख रहा हूँ। कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता, इतना याद रखना। मेरी जगह पर आकर मुझे धमकी देता है, हलवा हूँ क्या? तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। कितनी बार बोला मैं लड़की का धंधा करता हूँ, उसने तुम्हें उल्लू बनाया। इनका बेटा खो गया है, ये उसे यहाँ ढूंढने आए हैं, और तुम इनके साथ ऐसा कर रहे हो। इस पाप का फल तुम्हें और तुम्हारी सात पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। मेरी तुझे बद्दुआ लगेगी, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। ये तेरी बद्दुआ से मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा। 7 साल अंदर काटने के बाद मैं ये धंधा कर रहा हूँ। 20 साल का लाइसेंस है मेरे पास, जानता है क्या? 6 साल की उम्र से इस धंधे के अंदर हूँ। तुम लोग ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ इस धंधे की नहीं होगी। देख साला मुझे बद्दुआ दे रहा है। सर मेरा बेटा, इनसे उलझ मत, चल चलते हैं यहाँ से। मुझे लगता है मेरा बेटा यहीं है यार। अरे रुक चल यहाँ से तू। ये नायकन के बच्चे को बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, समझा? उसका दूसरा पैर भी तोड़ना पड़ेगा। हमारे पीछे आदमी भेजता है, नहीं छोड़ूंगा। ए राम, शैलजा का फोन आ रहा है, क्या करूँ, कट करूँ या बात करते हैं, बोलना। अरे नहीं सर, आप फोन नहीं उठाएंगे तो वो गलत समझेंगे, फोन उठा के बात कीजिए, सब बता दीजिए। हेलो मैं बोल रही हूँ, कहाँ हो? गौतम मिला क्या? हा? हमने जैसा सोचा था। क्या ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता? ये क्या बोल रहे हो? गौतम यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं वो? फोन मुझे दो, मुझे बात करनी। हेलो राम, क्या हुआ? लिज़ी, लिज़ी अपना गौतम यहाँ नहीं है। लिज़ी ये तुम क्या कह रहे हो राम? क्या वो वहाँ नहीं, नहीं है? लिज़ी, कृष्ण राव कह रहा है कि नायकन से उसका कोई लेना देना नहीं है। लिज़ी, और नायकन ने तो अपना फोन भी बंद कर दिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है लिज़ी? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिज़ी मैं गौतम के बिना नहीं रह सकता। लिज़ी गौतम नहीं मिला, लिज़ी गौतम नहीं मिला। फोन दो मुझे राम, राम प्लीज। शैलजा, शैलजा गौतम नहीं, मैं ध्यान रखूंगी। संभालो जरा अपने आप को, हौसला रखिए। ठीक है गौतम, लिज़ी गौतम नहीं मिला, प्लीज समझो जरा। गौतम नहीं मिला, गौतम जल्दी घर आ जाएगा। राम प्लीज। सर आप ऐसे रोते रहेंगे तो कैसे चलेगा? भगवान पर भरोसा रखिए, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, बेटा मिल जाएगा सर। अब बर्दाश्त नहीं होता सर, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। ए शर्मा, हाँ हाँ राम, वहाँ कोई बच्चा है, वहाँ कोई बच्चा सड़क पे खड़ा है, गाड़ी रोक। ए ए राम, ये किसका किसका बेटा है? ये क्या है? नहीं ये बच्चा सड़क पे खड़ा है। हाँ मेरा ही है, तू जा यहाँ से, तू जाना यार यहाँ से। पता, तूने फोन क्यों ऑफ किया था?
अरे जान से बात करो। राम 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 रिलैक्स रिलैक्स सर एक मिनट सर देखो ना चुप रहो मैं पूछता हूँ। देखो मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं चाहते इसलिए मैंने फोन कट कर दिया और तुम लोग नाराज हो गए। मैंने उनसे सवाल किया कि बच्चा कहाँ है तो वो कहने लगे वारंगल में है बेंगलोर में। रुको तो वारंगल में है क्या बोल रहे सुनते हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ तो फोन कट कर रहे हैं अब तक तो उन्होंने सिम बदल दिया होगा अब वो जब फोन करेंगे तभी पता चलेगा। मामला बहुत उलझ गया है कितना भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है चुप रहो। अब मुझे मार पीट काट कुछ भी कर कोई फायदा नहीं आगे तेरी मर्जी। ए नायकान सर जाने दीजिए इसे छोड़िए हम कमिश्नर से मिलते हैं देखते हैं वो क्या कहते हैं। सर मिसिंग बच्चे के फादर। हेलो सर। हाँ इनका केस कौन देख रहा है। ट्रिपल केन के इंस्पेक्टर करुणाकरण सर। गुड 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 केस तो बहुत सेफ हैंड में है। आप एक काम कीजिए अपने बेटे की फोटो लेकर मेरे ऑफिस में आ जाइए मैं सारे पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर ऑलमोस्ट 36 आवर्स हो गए हैं। डोंट वरी वी विल डू आवर मैक्सिमम बेस्ट ओके। बट सर 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 प्लीज सर आपका काम हो जाएगा आइए 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 आप सर राम आइए 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 चलिए चलिए सर हो जाएगा। चलो ऐसे कैसे पता चलेगा यार चलो देखते हैं। ये क्या कह रहे हो भैया तुम कहाँ जाओगे। कहीं तो जाऊंगा मैं वापस जाके कृष्णराव के पैर पकड़ूंगा गिड़गिड़ाऊंगा उससे भीख मांगूंगा गौतम के बिना मैं नहीं रह सकता। राम मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ उनकी दुनिया बहुत अलग है अपनी परछाई भी वहां नहीं पहुंच सकती। तुमने देखा ना कृष्णाराव कैसे बिहेव कर रहा था। अरे उन लोगों में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। देखो हमने कंप्लेंट दे दी है अब हम मिनिस्टर के पास जाएंगे टीवी पेपर इन सब में इश्तिहार दिया है बस थोड़ा सा इंतजार करो राम। हाँ सर इस समय आपका अपनी पत्नी को छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा भगवान पर भरोसा रखिए गौतम के साथ कुछ गलत नहीं होगा उनसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरा बेटा भगवान मिनिस्टर पुलिस किसी को भी नहीं मानता सर वो सिर्फ अपने इस पापा को मानता है सर। मेरे पापा आएंगे जरूर आएंगे एक एक मिनट एक एक सेकंड वो इसी भरोसे में मेरा इंतजार कर रहा होगा सर मुझे जाना ही होगा सर। Is it? कौन रंगा। सर मैं पुलिस स्टेशन में गाड़ी लेके आया था ना वही रंगा। हाँ हाँ बोलो रंगा। मैं आपसे एक खास बात करना चाहता हूँ सर इसलिए मुझे आपसे अभी मिलना पड़ेगा क्या मिल सकते हैं। बोलो रंगा किस बारे में। सर आपके बेटे के बारे में। बेटे के बारे में। मैं नायकन से बीच में मिला था उसने बताया कि डोंगरी में आपका बेटा नहीं है। मैं इस बात को छुपा नहीं सकता था आखिर मैं भी तो बाल बच्चे वाला हूँ ना सर। ठीक है पर पहले क्यों नहीं बताया। ऐसी बात नहीं है सर मैं सिर्फ एक ही आदमी को जानता हूँ सर उसका गांव वारंगल के पास है बरकल गांव। वारंगल। मैंने उनसे सवाल किया कि बच्चा कहाँ है तो वो कहने लगे वारंगल में है बेंगलोर में है। नायकर ने भी वारंगल के बारे में बोला था। हाँ जी सर वारंगल के पास बरकल सर उसका नाम नलम्मा रेड्डी है मैं उसका घर जानता हूँ सर। कहाँ रहता है जानते हो। जानता हूँ सर। चलो अभी चलते चलो। सर क्या कह रहे हैं सर मैं अभी नहीं चल सकता उस दिन आपने ही कहा था ना कि अनजाने में बच्चे का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए इसीलिए बात मैं आपको बता रहा हूँ सर मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा नाम गांव आता पता मैं सब बता देता हूँ आप चले जाइए। बच्चे की जिंदगी का सवाल है
और आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं। प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज चलिए ना। अभी अचानक कैसे सर, घर में एक रुपया भी नहीं है। पैसों की चिंता मत कीजिए, अपना एड्रेस बताइए, मैं पैसे भिजवा दूंगा। मैं सिर्फ एक बार आया था, लगता है सब कुछ यहाँ बदल गया है। यही घर है क्या? यही वाला घर होना चाहिए। रेडी सर, किसे मिलना है? नमस्ते मैडम। हाँ रेडी सर हैं क्या? वो घर पे नहीं है, मंदिर में पूजा करने गए हैं। वो नलम्मा रेडी, आप समझ नहीं रहे हैं, आइए मैं समझाती हूँ, आइए। वो देख रहे हैं मंदिर, मंदिर पूजा करने गए हैं सर, मंदिर जाने के लिए बोल रही है। भगवान से प्रार्थना करो कि परीक्षा में अच्छे नंबर आए। नमस्ते सर। नमस्कार, हम लोग आपसे मिलने के लिए चेन्नई से आए। कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं। चेन्नई में आपसे मिला था ना सर, मैं टैक्सी ड्राइवर रंगा। कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। सर 3 साल पहले आपकी बेटी मर गई थी, मैंने गाड़ी से आपको ड्रॉप किया था। ओ, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ सर। अच्छा अच्छा, बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? सर मैं आपके नायकन से मिला था। नायकन? भला उसके पास क्यों जाना पड़ा? वो क्या ना सर, इनका बेटा खो गया है, 6 साल का है। आप नायकन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, अगर इनके बेटे के बारे में कुछ बता दें तो। अरे नायकन से मेरा इस बारे में कोई संबंध नहीं है, मैं तो बिजनेस के सिलसिले में चेन्नई जाता रहता हूँ, और भाई मैं राइस व्यापारी हूँ, और मेरा तो नायकन से लड़की लाने के लिए एडजस्टमेंट होता है, बस इतना ही। अरे सर अगर आप चाहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा सर, प्लीज। देख भाई, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो एक साधारण सा राइस व्यापारी हूँ, चेन्नई को मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ। अगर इस शहर में मदद चाहिए तो मुझे बताइए, SP अपना ही है, मेरा रिश्तेदार है, इस मैटर को लेकर मैं उससे बात कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब इतनी दूर आए हो, ओहो तो मेरे घर पे चलिए, खाना वाना खा के जाइएगा। कोई बात नहीं सर, मेरा इकलौता बेटा है, अगर आपको कुछ मालूम हो तो बताइए, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ जाएगी। तुम गलती से यहाँ आ गए हो भाई, यकीन मानो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, अगर भरोसा नहीं है तो ये मेरा पोता है, वो भी इकलौता, मैं इसकी कसम खा करके कहता हूँ मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन करो भाई साहब। ठीक है सर चलता हूं। कोई बात नहीं। ये तो बोल रहा है कि ये कुछ भी नहीं जानता है, मैंने गलती की आपको बिना मतलब यहां लेकर आया, सॉरी सर, बुरा मत मानना। सर सर कहां जा रहे हैं? सर रुकिए, सर सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर सर रुकिए, ये झूठ बोल रहा है, सर ये नायकन को जानता है। सर बोल, तेरा नायकन से क्या लेना देना है? बोल बोल। सर रुकिए, बता सर क्या कर रहे हैं? सर गोली चल जाएगी, सर सर ऐसा मत करिए, सर हम आपके बच्चे को ढूंढने आए हैं। रुको, क्या कर रहे हैं सर? सर दादाजी, तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे मार रहा है? बता, अभी भी कह रहा हूँ बता। मैं मरने से नहीं डरता, तभी तो धंधे में आया हूँ, मारना है तो मार दे, देखता क्या है, बंदूक दिखाकर किसको डराता है? चला गोली, चला गोली, चला चला। हिम्मत नहीं है ना, हवा निकल गई तेरी, कहाँ गई तेरी हेगड़ी? दादाजी, दादाजी। ए, तू मुझे मार दादाजी नहीं सकता, हिम्मत नहीं है तेरे में। छोटा कुछ नहीं करना, वो मेरा इकलौता पोता है, पता नहीं तो इसे मार डालूंगा।
अरे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है सर। ए, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, तू बच्चे को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मेरे बच्चे को। आराम से पकड़ो। तेरे बच्चे को उठाया है करीम नगर के यादगिरी ने, कसाई खाने में रहता है वो। मेरी बात का यकीन करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मेरे पोते को छोड़ दो बस, मेरे पोते को छोड़ दो। हाँ यादगिरी, बोलो रेडी। ए यादगिरी, माल आया क्या? इधर पार्टी बहुत मजबूत है, मस्त पैसा मिलेगा अपने को। कल ही एक माल आया है, पार्टी तो अच्छी है ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसकी मेरी गारंटी, तू बस माल बता। माल है, छोटा बच्चा है, तू बस पैसे की बात कर। चेन्नई, चेन्नई का कोई लड़का है क्या? अच्छा, वो चेन्नई का लड़का है क्या? हाँ है। तुझे कैसे पता? मैं आ रहा हूँ। ए, तुझे ये बात कैसे पता? ए, रेडी, तू मेरे साथ क्या तो नहीं कर रहा? बताना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या? पुलिस वाले पीछे क्या? अबे रेडी के बच्चे साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इधर ही काट के दफना दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है, अब तू नहीं बचेगा। कौन रहे बुड्ढे? सब बर्बाद। मतलब अब वो फोन पर नहीं मिलेगा, अब वो ना तो तेरे बेटे को जिंदा छोड़ेगा ना मुझे जिंदा छोड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम? अबे जावे, अपने बच्चे को बचा ले, मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं। अब करीम नगर मुझे पता है, चलिए सर मैं ले चलता हूँ। उसका नाम क्या है? जावे। ए, नाम बता। यादगिरी। चलिए सर चलिए। बेटा मुझे गलत मत समझना, मुझे माफ कर देना, तुम बहुत अच्छे हो। सर वो गलत आदमी था कैसे पता चला? वो तो अपने पोते की कसम खा रहा था, मुझे भी यकीन हो गया था। उसने हमसे कहा कि वो राइस व्यापारी है ना? हाँ सर। यहीं पर उसने गलती कर दी, क्योंकि मंदिर की दीवार पर उसका नाम क्वारी कॉन्ट्रैक्टर लिखा था। ये यादगिरी कहाँ मिलेगा? वो देखो वहां। यहाँ यादगिरी कहाँ मिलेगा? क्या चाहिए, बढ़ेगा? नहीं, यादगिरी। यादगिरी चल आजा। हाँ यार, कहाँ पर जा रहा है? सामने से नया माल आया है। जल्दी कर, एक का गेम बजाना है। क्या मतलब? समझ में नहीं आता क्या? यहीं पे? हाँ। जरा संभाल के, यहाँ बाजार में बहुत सारे लोग हैं। तुम चलो मैं आता हूँ। ये यादगिरी को देखा क्या? यादगिरी? ये यादगिरी को ढूंढते इधर आया है। यादगिरी किधर गया? मुझे क्या पता। Hey, देख तो बद्रे भाई, यादगिरी किधर है? यादगिरी? हाँ वो उधर है भाई। बसेगा नहीं। अबे संभाल के बे, अबे कहाँ जा रहा है? ये उसको यादगिरी को मिलना है, मिलाने ले जा रहा हूँ।
सर सर ये लोग चाकू लेके आ रहे हैं सर। तुम गाड़ी में जाकर बैठो। सर आप क्या कह रहे हैं? जाओ रंगा। सर ए, तो कौन है भाई? सर ड्राइवर। सर चल निकले चल। सीधा घुसा दूंगा। बोल तू ही यादगिरी है ना? कहाँ है मेरा बेटा? ए, तू पुलिस वाला नहीं है क्या? पैसा डूब गया। ए, पैसा डूब गया। ए, मुझे लगा तू पुलिस वाला है, मैंने बच्चे को मार दिया। ए, ए, क्या कह रहा है तू? ए, तेरा बच्चा मेरे हाथों मारा गया। बता कहाँ है मेरा बेटा? तूने आते वक्त देखा नहीं क्या? एक बोरी रखी है, काट के उसमें डाल दिया। जा जाके देख उसमें तेरा बेटा है क्या। जाना जाके देख। ये बचना नहीं चाहिए। बता मेरा बेटा कहाँ है? बता कहाँ है वो? तुझे तेरा बेटा चाहिए ना? अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगा। ए, तेरा कोई भी आदमी बीच में आया तो मार दूंगा। बता मुझे। हाँ तो फिर भोपाल चला जा। ए, भोपाल में कहाँ? बोल। जबलपुर। वहाँ पे निखिल मोटवानी है। इंडिया में तेरा बेटा चाहे कहीं भी हो, एक घंटे के अंदर तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा होगा। और जब वो हरामी तेरे सामने खड़ा होगा ना, तू डट के खड़ा हो जाना। उसकी आंखों में तेरा डर होना चाहिए। उसकी आंखों में डर मैं तेरी आंखों से देखूंगा। और उससे जाके बताना कि तुझे यहाँ पे यादगिरी ने भेजा है। बताना तू असली मर्द का बच्चा है। तू तेरे बेटे को पाएगा, मुझे यकीन है। तू जा यार, तू जा। तू असली मर्द है, मर्द है। अबे एक भैंस को काट के मैं अकेले उठाता हूँ और तूने मुझे मार दिया। अगर तू मेरे अंदर सरिया घुसा देता तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, लेकिन तूने तो मुझे ही सरिये में घुसा दिया। तू मर्द है, असली मर्द। मर्द
वहां पे निखिल मोटवानी है, तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा हुआ। आइए आइए राम सर, आइए। हेलो सर। हेलो, बैठो सर, एक मिनट बुलाता हूँ मैं। हाँ बोलिए राम सर। राम सर, ये हमारे मुतवानी सर, हमारे बॉस। हेलो सर। हेलो, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? नथिंग सर, अ स्मॉल एक्सीडेंट। बैठिए, बताइए राम सर। सर बेसिकली आई एम अ बिजनेसमैन, आई डील विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स। आई जस्ट सॉ द एड, आई वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन भोपाल विद योर हेल्प। आई आल्सो हैव सम प्रॉपर्टीज इन करीमनगर, आई वांट टू सेल इट। दिस इज माय मदर डॉक्यूमेंट एंड वर्थ ऑफ द वैल्यू इन करीमनगर इज। बेटा है या बेटी? ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ बेटा है या बेटी? राम सर, आप बिजनेसमैन नहीं है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे अपने धंधे का बहुत एक्सपीरियंस है। यादगिरी कुछ नहीं है, मेरी नजर पूरी इंडिया पे है। सीधा मुद्दे पे आओ। मेरा बेटा है, उसका नाम गौतम है, वो 6 साल का है, चेन्नई के बीच से गुम हो गया था। कृष्ण राव, यादगिरी, नल्लम्मा रेड्डी, इन सब से मिलके मैं आपके पास आया हूँ। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। I want to get back my son, sir. Please understand me. What's your claim? मतलब? Fix your claim. Prove यार, अपने बेटे के लिए कुछ भी करोगे, यही कहा था ना? उसकी कीमत क्या चुकाओगे? Mr. Ram, 1 crore fixed. 1 crore? No, no, sir. मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। Mr. Ram, ये business है। 1 crore. Sir, please try to understand me, sir. आप गलत सोच रहे हैं सर। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं इतना पैसा दे ही नहीं सकता। अभी तो बोला था ना, बेटे के लिए कुछ भी करेगा। I will do anything for my son. फिर क्या हुआ? सर, मुझे अपने बेटे को आपसे लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा क्या? सबकी लिमिट होती है सर। आजा बेटी, आजा, आजा। बाबूजी, प्रसाद लीजिए। She is my daughter खुशी, बहुत पूजा पाठ करती है। आप भी सर। राम, आशीर्वाद दो बेटी, अंकल से आशीर्वाद ले लो। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू अंकल। ठीक है, बैठिए बैठिए राम सर। राम सर, उस छुट्टे सांड को किसने मारा यही मैं देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें यहाँ आने दिया। यहाँ पर तो मैं कुछ भी नहीं करता, ठीक है? 50 लाख का इंतजाम कर लो एंड मीट माई असिस्टेंट दिवाकर, आचार्य विल हेल्प यू। आचार्य जी। सर तुम देख लो। मैं देख लूंगा सर। पर सर मेरी बात तो सुनिए सर। एक्सक्यूज मी राम सर। सर राम सर, जल्दी से 50 लाख रेडी कर लो। बट सर मैं पुलिस के चक्कर में मत पड़ना, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, पैसा ही तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। आओ तुम्हें दिवाकर से मिलाता हूँ, कम।
हेलो दिवाकर, मिस्टर राम सर, मैं त्रिवेंद्रम के पास कटक का रहने वाला हूँ। वेरी ग्लैड टू मीट यू। वाह, वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, बिल्कुल आपकी डील की तरह। बॉस को भी ये पसंद है। तो तुम? मुझे देख करके आपको क्या लगा? चमचा लग रहा है। एग्जैक्टली। चलिए मैं आपको बॉस से मिलवाता हूँ। You want बीडी? असली मालाबार बीडी। मैं हर महीने इसे कोरियर से मंगवाता हूँ। सर। अरे अरे, आप लोग ये देखकर डर गए क्या? आप लोग डरिए मत, कोई बात नहीं, ये तो बहुत साधारण है। इससे भी अच्छे अच्छे आइटम आते रहते हैं हमारे पास, तो चलिए दिखाता हूँ। चलिए, अहमदाबाद में बच्चों की बहुत डिमांड है, वहाँ ऐसी छोटी छोटी लड़कियाँ हम ही भेजते हैं, ये भी वहीं जाएगी। पूरी इंडिया में सप्लाई करते हैं हम लोग। मुंबई में विदेशियों के लिए किडनी, लीवर, आँख, ये सब सप्लाई करते हैं। आजकल बच्चों के पार्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सुनते हो? अपनी किडनी तो किसी काम की नहीं है, वरना वो भी बेच देता। आओ आओ, अरे आओ ना। मेरा जो बॉस है ना, बहुत गुस्से वाला है, मूर्ख है। शांति से बात करनी पड़ेगी। बेटा, आपका बेटा है ना, कुछ भी गलत करने पर यहां से बच के नहीं निकल सकते। साला। बॉस, पीपुल कमिंग फ्रॉम चेन्नई, मोदवानी साहब ने इन्हें भेजा है। राम सर, ये हमारे बॉस हैं, इनका सारा काम मैं देखता हूँ। नाम है स्टीफन। पैसा वेयर? 50 lakhs वेयर? नॉट अ प्रॉब्लम सर, आई गिव यू योर मनी, आई टेल माई वाइफ टू ट्रांसफर द मनी। ओके ओके, जल्दी जल्दी। मेरा RTGS नंबर 000555, रिफंड अकाउंट नंबर 626145, स्टेट बैंक ऑफ भोपाल, भोपाल भोपाल, समझे? ट्रांसफर कर, जल्दी जल्दी करो। सर आई गिव यू द मनी, बट शो माई सन। फर्स्ट मनी। शो माई सन सर, आई वॉन्ट टू सी माई सन। मनी सर, प्लीज अंडरस्टैंड मी सर, मेरा बेटा यहाँ पर एक बार मुझे दिखा दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। Please show me once. I'll give you the money. Please help me, sir. Believe me, sir. Please. अरे बॉस, ऐसे हमारे यहाँ बच्चे को दिखाने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। अगर तुम बच्चा देखोगे तो फिर तुम उसे छोड़ के थोड़ी चले जाओगे हमारे लिए। मैं सही बोला ना? इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले तुम्हें पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे। राम सर, बच्चा चाहिए तो पैसा दे दो, बिना पैसा लिए बच्चा नहीं दिखाएंगे। सर बहुत गुस्से में हैं। राम सर, चलिए बात करके आते हैं। सर हम लोग बात करके आते हैं। जाओ। क्या रे हरामी, समझ में नहीं आता, उसने दिखाने के लिए कहा और तू तैयार हो गया? ये अकाउंट क्या सिर्फ तेरे नाम पे है? बिजनेस मेरा है, कार्ड डालूंगा। स्टीफन, अपने धंधे में रहम नहीं कर सकते, धंधे के लिए अच्छी बात नहीं है, समझा ना? इन पे भरोसा कैसे किया जाए? इतने पैसों में तो जिंदगी भर खा सकते हैं, 50 lakh कम नहीं होते हैं। जिंदगी भर कमाए तो भी जमा नहीं होंगे। पर वो लोग लड़के को नहीं दिखाएंगे, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। अरे ऐसा नहीं सर, कैसे यकीन करें? आपका बेटा यहाँ है या नहीं किसको पता? तुम ही बताओ क्या करूं?
हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे बेटे की जान इनके हाथों में है। किसी भी वक्त उसे मार देंगे। देखा नहीं, करीमनगर में मेरा बेटा समझकर किसी को मार दिया था। मेरा दिल अभी भी घबरा रहा है। अगर मेरा बेटा सच में यही है तो पैसों के लिए मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुम भी कैसी बात करते हो, तुम नहीं समझोगे रंगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। पैसा तो मैं कमा लूंगा। हेलो राम। लिजी, मुझे इमीडिएटली 50 लाख की जरूरत है। 50 लाख रुपए? अपने ऑफिस से मांगो या मेरे ऑफिस से। कोई रास्ता नहीं है तो घर बेच दो। अपना गौतम मिल गया क्या? कैसा है वो? ठीक तो है ना? तुमने बात की? अच्छा तो है ना? मेरी बात करवाओ उससे, प्लीज राम, मेरी बात करवाओ। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। अरे नहीं लिजी, मैं अभी तक गौतम से नहीं मिला हूँ। तुम पैसे भेजोगी तो वो मिलने देंगे। ओह गॉड, ये क्या कह रहे हो तुम राम? तुम उससे मिले नहीं, उससे बात नहीं की? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? पक्का कुछ नहीं हुआ ना? अगर कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ। अरे लिजी, मैं भी गौतम से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। तुम कहीं से ही 50 लाख रुपए का इंतजाम करो, हमें उनके अकाउंट में डालना होगा। प्लीज राम, पहले मुझे बताओ। तुम चिंता मत करो लिजी, मैं गौतम को लेकर ही आऊंगा। उसे कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो प्लीज। हमें अपना बेटा मिल जाएगा, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, प्लीज समझो। ओके ओके राम, मैं पैसे ट्रांसफर करती हूँ राम। ओके, टेक केयर लिजी। घर से कोई फोन आया था? हाँ रंगा। क्या बोल रही थी सर? ट्राई कर रही है। राम सर, पैसा अभी तक नहीं आया। पैसे तैयार कर रहे हैं, तैयार होते भेज देंगे। ओके। ये क्या सर, ये तो ओके ओके बोल रहा है, कहीं कोई टेंशन तो नहीं होगा ना? इस जगह की सारी देखरेख यही करता रंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? सर, हमें अपनी जान बचानी है, आप इस मामले में टांग मत अड़ाइए सर। नहीं सर, छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज, डोंट टच मी, डोंट टच मी सर, जाने दीजिए सर। ए सॉरी प्लीज, प्लीज डोंट टच मी, गो 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 सर, छोड़ दीजिए। नहीं सर, सर हमें बच्चा बचाना सर। हमें तो अपना बच्चा बचाना है सर, प्लीज सर। अंकल प्लीज, चलिए सर, क्या कर रही सर? रुकिए सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर, क्या कर रहे सर? चाहिए सर, चलो सर, जाने दीजिए, चलो चलो निकलो यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी सर, चलो चलो चलो। राम सर, आई एम अरे जाने दो अरे निकल, अरे कुछ निकाल ले, अरे
कोई काम के नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से, सब बच्चों को हटाओ फटाफट। गंगा चलो, जल्दी चलो, तेज चलाओ। डोंट क्राई, यू आर सेफ। ओके, यू आर सेफ। ओके, व्हाट्स योर नेम? बिट्टू अंकल। बिट्टू, यू आर सेफ, हाँ? नथिंग विल हैपन टू यू, डोंट वरी। ओके, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल एंड दे किडनैप मी अंकल। ओके ओके, डोंट क्राई प्लीज। सी बिट्टू, यू सी दैट बिल्डिंग? यस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इट्स अ प्रेस ऑफिस, यू विल फाइंड गुड पीपल, यू गो देम, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, दे विल हेल्प यू। आई हैव टू गो बैक नाउ। ओके, Stop crying. Uncle, hey. You saved me, Uncle. Thank you so much. It's okay. Thank you. No, stop crying. You first go there. Go there. Why are you crying? There are many boys and girls, huh? Uncle. They all Is are it? Crying. You see a lot of boys and girls there? Oh my God, Ranga. It's okay. I have to go back, okay? You go inside. Go. Don't worry, you are safe. Go. Go slowly, okay? I'll be here till you go there. Go. Thank you, uncle. सर, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी सर। अगर आपका बेटा वहां पे होगा तो अभी तक उसको खत्म कर दिया होगा। पर रंगा, आपने गलती कर दी। पर रंगा, वो भी तो किसी की बच्ची है। अरे छोड़िए ना सर, मैं अपने सामने ऐसे कैसे होने दूं? जैसे इस लड़की को बचाया वैसे अपने बेटे को भी बचाऊंगा। चलो रंगा, वापस चलते हैं। चलो रंगा, गाड़ी वापस लो। सर, यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सर, यहां पे तो कोई भी नहीं है, सब जगह खाली करके चले गए। आइए उस तरफ चल के देखते हैं। सर, लगता बच्चों को यहीं पे बांध के रखा था। सब चले गए सर, सबको उठा के लेके चले गए भगवान। अरे क्या किया इन लोगों ने? अरे सर, यहाँ पे सारे बच्चे तो यहीं थे। सर, क्या कर रहे हैं सर? सर रुक जाइए। सर रुकिए। सर रुकिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सर हिम्मत मत हारिए सर। ये तो गौतम का शर्ट है, ये तो गौतम का शर्ट है। अरे मुझसे क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा बेटा यही था। सर, ये बेटे की शर्ट है? आपके बेटे की शर्ट? भगवान, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, आपने क्या कर दिया? सारी मेहनत खराब हो गई सर। ये मुझसे क्या हो गया? गौतम को मैंने खो दिया। सर, नहीं रंगा, नहीं। संभालिए अपने आप को सर, संभालिए। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे रंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रंगा। हे भगवान रंगा, मैंने क्या कर दिया? मेरा बेटा यही था, मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। मेरा बेटा शायद मुझे मिल जाता। पता नहीं उसे कहां लेकर गए होंगे, पता नहीं वो किस मुसीबत में होगा। क्या करूं अब, मैं क्या करूं रंगा? हौसला रखिए सर, सब ठीक हो जाएगा। गौतम, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। घर से फोन है सर। हेलो। हाँ, राम, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। गौतम मिल गया क्या? ये आप क्या बोल रही हैं? पैसा ट्रांसफर कर दिया? अरे भगवान, हम लोग बेवकूफ बन गए। सब पैसा भी गया, बेटा भी गया सर। अरे क्या हो गया? हेलो मेम साहब, हेलो सर, मेम साहब से बात करिए ना सर। हेलो लिसी, फोन उठाओ लिसी। हेलो लिसी, कहाँ चली गई?
ओ गॉड रंगा, लिजी को क्या हो गया? सर, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, पता नहीं है भगवान, मैंने किसका बुरा किया था जो ऐसा हो रहा है? दुश्मन की भी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है रंगा, क्यों हो रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? सर, ए रंगा, ये गौतम ने लिखा है, ये बिशी उसी ने लिखा है, ये देखो रंगा, यहाँ यहाँ सेव में लिखा है। सर, हौसला मत हारिए, ये देखो सेव में लिखा है, सेव में पापा, ये मेरे बेटे ने ही लिखा है रंगा। वो जरूर मिल जाएगा सर। गौतम, मैंने तुझे वापस खो दिया बेटा। सर, संभालिए अपने आप को। भगवान पे भरोसा रखिए। सब मेरी गलती है। Shit. मैंने ही अपने बेटे को खो दिया, मैं क्या करूं? सर, सर, राम सर, सब ठीक हो जाएगा सर। मेरा दिल कहता है उसको कुछ नहीं हुआ सर। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपके साथ भी नहीं होगा। आप भगवान पे भरोसा रखिए, जरूर मिलेगा सर। मेरा बेटा, एक बार उससे बात करिए सर, बात बन जाएगी सर, मुझे ऐसा लगता है सर। हेलो दिवाकर। हेलो राम सर, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी सर। हाँ दिवाकर, मैंने जल्दबाजी में बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो दिवाकर, मुझ पर रहम करो दिवाकर। मेरा बेटा मुझे वापस दे दो, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ दिवाकर, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता दिवाकर। आप क्या कह रहे हैं सर? छे 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 छे, आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ? आप मेरे पैर मत पड़ो, अब आपका बेटा यहाँ से बहुत दूर जा रहा है, उसको तो अब मैंने पूना भेज दिया। अरे रे रे, सॉरी सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया, लखनऊ भेज दिया है। ओ, मुंबई तो शायद पक्का होगा, या फिर कलकत्ता भी हो सकता है, सब जगह जाके देख लो। बिट्टू को मेरे अकाउंट में डाल दो, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। प्लीज मेरी बात मान लो, मेरे बेटे को छोड़ दो दिवाकर, मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए हैं, अब तो उसे छोड़ दो। राम सर, क्या है ना, मेरा काम कभी नहीं रुकता, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, पैसा भी बहुत है मेरे पास, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए गुस्सा, दुश्मनी हमेशा के लिए रहेगा। तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, तुम तो हम सबको मार के यहाँ से चले गए ना। मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ? अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे बेटे को मैं ना जब चाहूँ तब मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारूंगा सर, तिल तिल के तुम्हें मारूंगा, पागलों की तरह ढूंढते रहना उसे। और एक बात सुनो, बच्चे की चिंता करते हुए ये बात हर वक्त सोचते रहना कि मैं उस समय चुप रहता तो शायद मेरा बच्चा मेरे पास होता। अब जाओ, क्या है ना कि मेरा समय हो गया, तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो, तब जाकर मेरे दिल को चैन मिलेगा। दिवाकर, नहीं दिवाकर, मैं अपने बेटे के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। मेरा बेटा मुझे वापस दे दो दिवाकर, वरना वरना एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम सर, आपका चैलेंज मुझे बहुत पसंद आया, तुम अपने बेटे को अब कभी भी नहीं देख पाओगे। हाँ, अरे भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात का यकीन मानो, क्योंकि अब मैं ये फोन बंद करने जा रहा हूँ। नहीं राम सर, गुड बाय। दिवाकर, दिवाकर फोन मत रखो। दिवाकर सर, दिवाकर क्या हुआ सर? सिम निकाल के फेंको रे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उससे फोन बंद कर दिया।
हे भगवान। अरे नहीं, नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा। रंगा ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया रंगा, अब मैं क्या करूं? या! सर यहाँ पे क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम लोगों को यहाँ पे हर पल खतरा है। इस शहर से जितनी जल्दी हम लोग निकल जाएंगे उतना अच्छा होगा। सर वो लोग मेरे गाड़ी के नंबर को पहचानते हैं सर, मैं नंबर प्लेट बदल देता हूँ। पर वो क्यों? ये क्या बोल रहे हैं सर, खतरे से बाहर निकलने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा सर। मेरा भी एक परिवार है सर। सर यहाँ से जल्दी निकल चलो, यहाँ कुछ भी हो सकता है सर। सर मेरी बात मानिए और चलिए सर, आपको छोड़ के जाने को दिल नहीं करा सर, आप भी मेरे साथ चलिए। पर रंगा लेकिन आप एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। रंगा सर, आइए सर। रंगा है? रंगा ये पैसे रख लो। सर ये मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं रंगा, ये पैसे रख लो। तुमने जो मदद की है उसके लिए मैं अभी इतना ही दे सकता हूँ, बस इतना ही है। तुम इन पैसों से अपना घर संभालो, मैं अपना देख लूंगा। सर ये मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं, आपने मुझे गलत समझ लिया सर। सर मेरा भी एक परिवार है, लेकिन मैं क्या करूं? नहीं रंगा, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। अभी यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम जाओ, मैं देख लूंगा। तुम जाओ यहां से। सर जाओ रंगा। ब्लड निकल रहा है सर, ब्लड। सर क्या हो गया सर? सर सर क्या हो गया? गोली लगी है सर। सर रंगा सर, तुम्हें क्या हुआ? गर्दन पे गोली लग गई सर। रंगा रंगा, अरे बाप रे रंगा, बगल में हॉस्पिटल है रंगा। सर मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ। उसके लिए वक्त नहीं है सर। सुनो रंगा, सर मेरी मौत यही पे लिखी है सर, आप यहाँ से निकल जाइए सर। रंगा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। वक्त बहुत कम है सर, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं मर भी जाऊं तो भी कोई गम नहीं है मुझे। आपके बेटे और तीन लड़कियों को शहर तक छोड़ने वाला मैं ही हूँ सर। क्या कह रहे हो सर? मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे बेटे को भी? क्यों? हाँ सर, पैसा कमाने के लिए मैं भी अपने परिवार को खुश देखना चाहता था, करोड़पति बनना चाहता, सेटल होना चाहता था। पैसा ही जिंदगी है यही सोचता था, आपने मुझे बदल दिया सर। अपने दुख में आपने मेरे बच्चों का ख्याल रखा, अपना बच्चा खोया, उस लड़की को बचाने के लिए आप जैसा कौन होगा सर? आप महान इंसान है सर। नहीं रंगा। और एक मैं घटिया इंसान? एक बात बोलू सर, मेरा पाप मेरे बच्चों पे नहीं आएगा, मैंने मेरे बाप धो लिए सर। अरे रंगा रंगा, मैं तुमको बचा लूंगा, तुम सर, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ रंगा, रंगा चलो मेरे साथ। और एक बात है सर, बच्चे को किडनैप करते समय मुझे नहीं पता था आपका बेटा है सर। रंगा मुझे माफ कर दे रंगा। नहीं नहीं रंगा, रंगा सर क्या करूं सर,
हो सके तो आप यहाँ से निकल जाइए सर, निकल जाइए सर। ये पैसे नहीं रंगा, मुझे रंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा रंगा, चलो मेरे साथ। मेरे परिवार की मदद करना, मुझे यकीन है सर आप जरूर करेंगे। आप जाइए सर, जाइए सर, रंगा जाइए सर, जाइए। रंगा रंगा मुझे छोड़ के मत जाओ रंगा, रंगा जाइए, रंगा 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 अहमदाबाद में बच्चों की बहुत डिमांड है, वहाँ ऐसी छोटी छोटी लड़कियाँ हम ही भेजते हैं, पूरी इंडिया में सप्लाई करते हैं हम लोग। मुंबई में विदेशियों के लिए किडनी, लीवर, आँख ये सब सप्लाई करते हैं। आजकल बच्चों के पार्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सुनते हो? अपनी किडनी तो किसी काम की नहीं है, वरना वो भी भेज देता। हेलो लिजी, राम बोल रहा हूँ। लिजी राम, तुम कहाँ हो राम? मैं अभी मुंबई में हूँ लिजी। क्या हुआ है राम, एक फोन भी नहीं किया तुमने? मैंने घर बेच दिया है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, पुराना काम नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ, काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ राम। मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ राम, वापस आ जाओ राम, बहुत हो गया। लिजी तुम जरा शांति से मेरी बात सुनो। लिजी मैं कैसे भी गौतम को लेकर ही आऊंगा, तुम बस अपना ध्यान रखो। नहीं राम, अब गौतम वापस नहीं आएगा, मुझे ऐसे ही लगता है। ओ गॉड, ऐसे बात मत करो लिजी। हाँ राम, तुम भी नहीं हो, गौतम भी नहीं है, तुम दोनों के अलावा मेरा है भी कौन? तुम्हारे फोन का इंतजार करते करते मैं पागल हो गई हूँ राम, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम दोबारा दूसरे बच्चे को जन्म देंगे राम, वापस आ जाओ। ऐसी बात कर रही हो लिजी, तुम ऐसी बात कब से करने लगी? प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मैं वापस आके क्या करूं लिजी, वापस आकर जॉब ज्वाइन करके खुशी मनाऊं क्या? अपना गौतम कहाँ है, कैसा है, वो किस तकलीफ में है, ये सब भूल जाऊं क्या? मैं इस तरह जी नहीं पाऊंगा लिजी, मैं आऊंगा तो सिर्फ गौतम के साथ। ये सब मैं नहीं जानती, प्लीज तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ।
चाय पी लो। मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ? 3 दिन हो गए भाई साहब, तुमने आंख तक नहीं खोली, तुम बिल्कुल होश में नहीं थे। तुम शांति हाउस के सामने बेहोश पड़े थे, वहाँ पर आने जाने वाले लोग तुम्हारी हालत देखकर चले जाते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से उठा के ले आया, अपने डॉक्टर से इलाज कराया। तुम नींद में अपने आप से बड़बड़ा रहे थे, तब मैं समझ गया कि तुम मेरी तरफ के ही हो। भाई वो जा रहा है, उसमें कुछ बच्चे हैं। उधर सब तुम चिंता मत करो, वो कहाँ जा रहे हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरे पहचान वाले हैं। ए भाई कैमन आछो? भालो आछी, भालो आछी। ठीक आछे तो भालो आछे? ये के? ये अमार बंधु राम। क्यों होछे? ए निजेर छेले हरिये फेले छे। सो जनो? सो बच्चो, अनेक जगह खोजिए छे, पाए नहीं। आर बच्चा? हाँ एर बच्चा। पता लग गया सब जगह जीते पारबे ना। क्या बोल रहा है ये? वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग खतरनाक हैं, हमें अंदर नहीं जाने देंगे। पर मुझे जाने देंगे, आप सिर्फ इनसे उनका एड्रेस ले लीजिए। ए भाई तुझे भूसा पा देना तुम्हें, अरे वही जगह सब अनेक खतरनाक जगह, तुम्हें की भूसा पा देना की? अरे मारे जाओ जगह से, बात पूछिए छे। वो जगह पे पाटे तुम्हें जानो ना, ओखने जिंदा बचते पारबो ना, माथा खराब हो जाबे। की व्यापार बोलते चाचो, बोलो की चाचो तुम्हें? ओ साहब एड्रेस हमें देबो ना, हमें एड्रेस लाल বিল্ডিং আছে না ওই জায়গা লাল মাথা ওখানে যা ওখানে একে দিয়ে যা দিয়ে যা দিয়ে যা এখান থেকে চলে যা চলে যা এখান থেকে চলে যা চলে যা চলে যা এখান থেকে চলে যা মাথা খারাপ করবে না চলে যা এখান থেকে দাঁড়াবে না চলে যা টাইম হয়ে গেছে, কেঁদে পেয়েছে, কি করছিস তোরা, জলদি কর। দাঁড়া দাঁড়া হয়ে যাবে, হাড়বাড় করবে না। কে ভাই? আমি রিক্সাওয়ালা জোতান্না বন্ধু, এরাম চেন্নাই থেকে এরোছে। চেন্নাই চেন্নাই এনার ছেলে চেন্নাইতে হারিয়ে গেছে, 6 মাস ঘরে খুঁজছে, আপনার জায়গাতে কই খবর থাকলে তো। এ তোমার বাবা জায়গা না, এ আমার নাথ আশ্রম। আপনি একনি কি করছে আমি জানি, জোতম সব বলে দিয়েছে, আপনি চেষ্টা করুন। ভাই ফটো নিকাল কে দিজিয়ে। এর ছেলে খানে আছে, টাকা আছে, টাকা। এ চেহারা তো দেখো, এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আছে, চেহারা তো দেখো। সবাই এর থেকে পয়সা নিয়ে স্যার হালত খারাপ করে দিবে, সে তুমিও এরকম করছো, তুমি একটু চেষ্টা করো, দয়া করো। তোমার বাচ্চা এখানে নাই। এ শালা এর ছেলে চেন্নাইতে হারিয়ে গেছে, এখানে এসে খুঁজছে, যা যা। এই চেন্নাই থেকে এসেছে নাকি বাচ্চা খুঁজতে, পাগল হয়েছে নাকি? এই কি বলছে? এ কিছু না, তুমি একটু চেষ্টা করো। এ আমি বলছি তো, বুঝতে পারছিস না, মাথা গরম করিস না, চেন্নাইতে আছে চেন্নাইতে খোঁজ, এখানে নাই। যা ভোপাল যা, দিবাকর কে দেখ, তোর বাচ্চা পেয়ে যাবে। ভোপাল মে দিবাকর সে মিলনে কে লিয়ে বল রহা হ্যায়, ওয়াহাঁ বাচ্চা মিল জায়েগা। ভাই তুমি ওয়াহীঁ পর জানা চাহিয়ে। ইনহে বোলো কি ম্যায় একবার ইয়াহাঁ দেখনা চাহতা হুঁ। এখানে বাচ্চা কে খোঁজ পো। এ বলছি তো, মাথা খাস না, দিবাকর দিবাকর বিজনেস সেই কিং আছে, কিং। আমি এই ধান্দা আছি, আমি জানি। ভাই ভোপাল মে দিবাকর সে মিলনে কে লিয়ে কে রহে হ্যায়, ওয়াহাঁ পর কাম হো জায়েগা। ভাই একবার ইয়াহাঁ দেখ লেতা হুঁ ফির চলা জাউঁগা। বাচ্চা তরকিব,
ए बुढ़ा बोलची तो दिवाकर के देख तोर बच्चा पे ही जाबे। सुनो भाई, ये यकीन से कह रहा है वहाँ जाने पर बच्चा मिल जाएगा, तुम वहीं पर जाके देखो ना भाई। एक बार इससे कहो कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। तो चुप। ए, अमी बोलची तो मुझ बिना। इसे कहो मैं देखना चाहता हूँ भाई। ए, जय देख दिवाकर के। इसे कहो मैं देखना चाहता हूँ भाई। अमी बोलची तो ताके ऐ दिखे। बोलो ना भाई। मोरे जाबे तू यही खाना है। एक बार देख लूंगा तो चला जाऊंगा भाई। अरे साला अमी बोलची तो। अरे कुछ तो बोलो भाई। साला बैल की कोथा बोलची। अमी बोलची तो सुन भी ना। तुम क्यों जिद कर रहे हो भाई? एक बार जाके मिलके तो आ सकते हो ना। कोई फायदा नहीं। तुम उससे मिलोगे वो कुछ तो बताएगा ना। कुछ नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? तुम क्या कह रहे हो भाई? नहीं बता सकता। क्यों, क्या हुआ? मैंने उसको मार दिया भाई, अपने हाथों से मारा है। ओए की बोलो, की बोलो रे, की बोलो दिवाकर के, बोल दिवाकर के, की बोलची बोल। दिवाकर के मेरे दिए छे। की दिवाकर के मेरे दिए छे? दिवाकर देखो मेरे साथ मत खेलो, मेरा बेटा कहाँ है बता दो मुझे। राम सर पहले मुझे ये बताओ, कोई भी इस जगह के बारे में नहीं जानता फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? पहले तुम मुझे बताओ। इसके जरिए? दिवाकर योर रेगुलर कस्टमर। मैं उनके ऑफिस से बोल रहा हूँ। भोपाल का एड्रेस बदल दिया है, दूसरा एड्रेस दिया है। वो तो दिया है। मुझे एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। हाँ लिखो लिखो, नंबर है 9। तुम कमाल के आदमी हो, कमीने हो, तुमने कमाल कर दिया, मेरा दिल जीत लिया। कैसे तारीफ करूं तुम्हारी। राम सर अगर तुम मेरा साथ देते ना तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाता, लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन बन गए। और मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता राम सर। दिवाकर तुझे पैसे चाहिए ना? मैं दूंगा, बता मेरा बेटा कहाँ है। भोपाल का धंधा खराब किया तूने, याद है ना तुझे? मुझसे गलती हो गई दिवाकर, मुझे माफ कर दे। तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा बेटा कहाँ बता दे। दिवाकर मेरा बेटा कहाँ है बता दे मुझे। बताता हूँ, भीख मांगता है, भीख मांगता है और भीख मांगता रहेगा हमेशा। राम सर तू अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते खुद भी भीख मांगने लगेगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, नहीं बताएगा ना, तो ठीक है।
তোর ভাবে আসছে ও বাচ্চাকে দেখিয়ে দাও নিচে পাঠিয়ে দাও কথা হয়ে গেছে ঠিক আছে ঠিক আছে ए, ये क्या कह रहा है ये ना जिसे चाहेंगे उसे साथ में ले जाएंगे कोई नहीं रोकेगा सॉरी अंकल मुझे ऐसा मत करो नहीं ए, काम कर अंकल मुझे ले चलो ना If he points out someone, he has to go with him. नहीं। अंकल। नहीं। भैया, ये मैंने बनाया है। मुझे साथ में ले चलो। काम कर, काम कर। अरे क्या चल रहा है? तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा? गौतम। गौतम यहाँ भी नहीं। मैं अपना बेटा ढूंढने आया हूँ अरे जल्दी करो ना मैं आपके गौतम को लेने आया हूँ I'm sorry Oh God छोड़ो मुझे अंकल प्लीज मुझे ले चलो अंकल प्लीज मुझे ले चलो अंकल छोड़ो छोड़ो मुझे ले चलो अंकल मैं जाऊंगा अंकल साथ में अंकल मुझे ले चलो सालो बच्चों पास मारोगा तुम लोगों का चलो इधर से चलो भाई जल्दी इधर से अंकल नहीं नहीं क्या हुआ भाई साहब क्या हो गया भाई ऊपर बहुत गौतम है भाई तुम क्या कह रहे हो भाई ओ गॉड मेरे पैरों पे पड़ पड़ के रो रहे थे भाई मुझे ले चलो मुझे ले चलो सब्र करो उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है भाई सब्र करो अरे नहीं अल्लाह सब ठीक करेगा मैं ये सब नहीं देख सकता सब्र से काम लो अल्लाह सब ठीक करेगा नहीं भाई भाई इन लोगों ने कितने बच्चे किडनैप करके यहाँ ला के रखे यहाँ लाकर इनकी कीमत लगाई जाती है अलग अलग बच्चे की अलग अलग कीमत लगाकर ये पैसा कमा रहे हैं तुम जैसे को जीने का कोई हक नहीं नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें जान से मार दूंगा तुझे बच्चों को किडनैप करता है चुप करो नहीं भाई चुप करो नहीं भाई भाई सब शांत रहिए अब सब ठीक हो जाएगा ये जाके आमा के तो चिन्हिस ना अब नहीं भाई ये सिर्फ इधर ही नहीं पता नहीं कहां कहां इन लोगों ने अलग अलग गैंग बना रखी और एक नेटवर्क चला के धंधा कर रहे हैं इन्हें जीने का कोई हक नहीं है भाई अगर आज मैंने इनमें से किसी को भी मार दिया तो इनको एक सबक मिलेगा और कोई तो इस धंधे से डरेगा अगर एक भी डरेगा तो कम से कम वो अकेला कोशिश तो करेगा बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुंचाने की इसलिए ये डर इनके मन में बैठाना बहुत जरूरी है भाई इन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा भाई अपनी जिंदगी बनाने के लिए इन सब बच्चों की जिंदगी खराब करनी जरूरी है क्या ए बुढ़ा भाई छोटे छोटे बच्चे अल्लाह पर विश्वास कीजिए सब ठीक करेगा कौन इन बच्चों को बचाएगा भाई अब चिंता मत कीजिए कौन बचाएगा इन दरिंदों से नहीं भाई कुछ नहीं होगा मेरा गौतम भी ऐसे ही कहीं होगा भाई फंदे 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 हेलो भाई देखा बच्चों की क्या हालत है हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा आप चलिए तू खाने दाड़ा हमें जाची आमी जाची भाई कितने छोटे छोटे बच्चे उन सबको कौन बचाएगा हाँ आप चिंता मत कीजिए ऐसा धंधा करने के लिए लोग सोचते भी कैसे हैं बच्चों को खोकर माँ बाप कैसे तड़पते हैं नहीं क्या पता भाई भोपाल भोपाल में मुझे मेरा बच्चा मिल गया था पर मुझसे गलती हो गई बस मेरे हाथ उसकी शर्ट लगी
नहीं। क्या हुआ भाई साहब, इसमें क्या देख रहे हैं? शर्ट, उसका शर्ट क्या, क्या है इसमें? गौतम का शर्ट का अरे भाई कहाँ गिर गई भाई? क्या हुआ भाई साहब? मेरे गौतम की शर्ट। गौतम, गौतम, हे गौतम भाई, गौतम भाई, मैं पापा, मैं पापा, पापा, गौतम, गौतम, गौतम ए, गौतम रो मत। पापा मुझे पता था आप आएंगे, लेकिन आपने इतनी देर क्यों कर दी पापा? सॉरी बेटा, सॉरी, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे पापा। ए, गौतम ये चश्मा क्यों पहना है हा? मुझे यहाँ पे लग गया ना पापा, तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। अरे नहीं, चश्मा लगाने पे भी नहीं दिख रहा है पापा। अरे नहीं, अरे गौतम पापा, पापा, मैं आ गया हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तेरा पापा आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जा। पापा।